वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है अतहर हाशमी। तो ये जो चैनल का नाम मैंने बदला है प्रोग्रामिंग वाला, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग ना सिखाऊं? तो क्या बोलते हैं, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए। तो यहाँ समय बिताना नहीं है, समय बचाना है। इसलिए मैंने एक सवाल पहले से यहाँ पे आपके लिए टाइप कर रखा है, करके रखा हुआ है, हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम चैट जीपीटी। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है किसी भी कंप्यूटर साइंस या आईटी ग्रेजुएट के लिए, कि उसे एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर आए। तो ये जो चैट जीपीटी है, ये रोबोट है, इन भाई साहब का ये कहना है कि लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोली फ्रॉम चैट जीपीटी लाइक जीपीटी 3.5 कैन बी चैलेंजिंग। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन, इंटरेक्शन विद कोड एडिटर्स, कंपाइलर्स वगैरह वगैरह। तो इन शॉर्ट मैं इसको ये बोलूँगा कि ये आपको डरा रहा है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग है, इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ऐसा वैसा। ओके, ठीक है। आगे ये भी बोलता है कि 3.5 जो है ये आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझने के लिए, सवाल जवाब के लिए और कुछ एक्सप्लेनेशंस के लिए मदद कर सकता है। तो एक्चुअली मैं अतः राशमी आप लोगों की इसी मदद के लिए यहाँ पे मैदान में कूद पड़ा हूँ कि आप चैट जीपीटी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं और कौन कौन से सवाल ऐसे करने चाहिए। तो देखिए भाइयों एवं बहनों, सबसे पहली चीज़ ये कि हमें एक लिस्ट बनानी है कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं आपको जवाब दूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक ऐसी चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको नहीं आती है तो प्रोग्रामिंग सीखने का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले आपको सीखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि आखिर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा सकता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी भी आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करेगा कि आप कोई भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकें, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, और बहुत लंबी इसकी लिस्ट है, फहरिस्त है, तो आप उस पर जाइए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जितने भी टेक्निक्स एंड टूल्स होते हैं वो सब हम देखेंगे इसमें। इसके बाद में फिर आप जंप मारिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दैट इज़ पीएल। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब आप यहाँ पे पूछिए कि भाई देखिए, ये चैट जीपीटी ने भी लिखा है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसने सबसे इसने यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा है, और उसके बाद फिर कोड के एग्जांपल, फिर स्यूडो कोड, फिर सिंटैक्स, ये सब चीज़ें बाद में आएंगी, लेकिन सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है? ओके, तो इसी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इसे आप डिटेल में जब आप जाके पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। देखिए, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद उसे सॉल्व करना होता है। जैसे हम आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, हमारा प्रोग्रामिंग सीखने का मकसद क्या है, ताकि हम जैसे आलसी लोग क्या कर सके, कंप्यूटर से अपना काम निकलवा सके। मतलब हम कैलकुलेशन क्यों करें, कंप्यूटर को करना चाहिए। हम एनालिसिस क्यों करें, कंप्यूटर को करना चाहिए। हम टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग क्यों करें, ठीक है, मैनुअली हमको कोई चीज़ नहीं करनी है, दैट इज़ वाई हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो प्रोग्रामिंग सीखने के पहले आप क्या सीखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लेट्स सी व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस है, यही हमारी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन को ढूंढना, इसको आइडेंटिफाई करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। इसमें पजल्स हो सकते हैं, कोई भी इशू हो सकती है, इसके सॉल्यूशन को आपको ढूंढना रहता है। इसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो किया जाता है, ताकि आप किसी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें। इसको छोटे 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 कॉम्पोनेंट्स में, चंक्स में, टुकड़े में, मॉड्यूल्स में आप तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर डिवाइसिंग स्ट्रैटेजीज टू अराइव एट अ रिजोल्यूशन। उसके बाद फिर आपको एक रिजोल्यूशन मिलता है कि हाँ भैया, मुझे ये काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ फंडामेंटल स्किल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सो इंक्लूडिंग एकेडमिया, वर्क, प्रोफेशन। मतलब आपका कॉलेज है, स्कूल है, आप कोई काम पे जाते हैं या कोई भी मैटर पे जाते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ज़रूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको इसलिए भी समझना है कि भाई आप उसको एग्जैक्टली समझ सके कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सवाल को भी बदल देता हूँ कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि ये हमें ये बताए कि भाई जो जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वो आखिर कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है, जिसमें आपकी कोडिंग स्किल के द्वारा आप प्रॉब्लम को
एनालाइज करें, डिकम्पोज करें और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे आपको फ़र्क दिखाई दे गया, सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे भी आप टुकड़ों में उसको तोड़ेंगे और यहाँ पे भी आप इसको टुकड़े में तोड़ेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है, यही चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप अगर इसको लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, तो यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा राइट अ प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए सी लैंग्वेज में आपको लिखना है, या आप यहाँ पे सिर्फ सी लिखे राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ऐड टू नंबर्स, तो यहाँ पे आपके सामने जवाब हाजिर हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसको आपने सॉल्व किया। सॉल्व किसके द्वारा किया आपने, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। तो आज के इस लेक्चर में ओवरऑल आपने क्या समझा कि चैट जीपीटी के द्वारा सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उसके बाद फिर आप जंप मारिए किसी भी चीज़ में। अब आती बारी सी प्रोग्रामिंग की। तो ये सी का प्रोग्राम है, मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी नए बंदे के लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि सी प्रोग्रामिंग में आपको क्या सीखना है। तो आप इससे पूछिए कि डिज़ाइन, यहाँ पे आप इसी से बोलिए कि डिज़ाइन सिलेबी फॉर बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो ये भाई साहब जो हैं, कौन से भाई साहब, रोबोट भाई साहब, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन सेलेक्ट आपके लिए सेट कर देंगे कि आपको पहले हफ्ते में क्या सीखना चाहिए, दूसरे हफ्ते में क्या सीखना चाहिए, देन तीसरे में क्या सीखना चाहिए। इन सब के पहले आपको क्या सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद में इन सारे टॉपिक्स को आप वन बाय वन क्या करते जाइए, सीखते जाइए। तो डेफिनेटली आपका काम जो है वो चैट जीपीटी से ही होगा और आप इससे पढ़ पढ़ के काम कर सकते हैं। एक बात आपको नहीं भूलना है कि ये काम आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर एनी अदर लैंग्वेज। तो ये भी लेक्चर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और सी प्रोग्रामिंग अगर आपको मुझसे सीखनी है, रोबोट से ना सीखनी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टीचर का होना, एक गाइड का होना भी ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चैट जीपीटी से सीखूं, तो मैंने आपको एक दूसरा रास्ता बताया कि अगर आप घर बैठे अकेले प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी में सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखिए, फिर कुछ एग्जांपल्स देखिए, ठीक है, एग्जांपल देखने के बाद में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।